हाय फ्रेंड, दिस साइड से विपुल शाह। कैसे आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मज़े में हो। आज का वीडियो है हाउ टू स्कोर 60 प्लस इन GST। तो दिस वीडियो इज़ रियली इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो में एंड तक बने रहेंगे एंड ये वीडियो कम्प्लीट देखेंगे। एंड डेफिनेटली मैंने जैसे आपको प्लानिंग करके दिया है, आप अगर उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिलना कन्फर्म है। एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बार को प्रेस कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी रिलेटेड टू CMA मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड किए हैं। यस, अगर आपका DTA ग्रुप 1 में तो उसका प्लानिंग कैसे करना है, ग्रुप 1 का प्लानिंग कैसे करना है, बोधुर का प्लानिंग कैसे करना है, ये ऑलरेडी 3 वीडियोज़ मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया है और इसका नीचे लिंक मैंने दिया है। तो इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच मोर वीडियोज़ रिलेटेड टू CMA, नीचे मैंने लिंक दिया, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलो, सो आगे बढ़ते हैं। नाउ अभी जो मैंने आपको प्लानिंग करके दिया, इसमें मेरे हिसाब से जो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, एज अ स्टूडेंट वी मस्ट बी अवेयर कि एक सब्जेक्ट पे अपने को कितना घंटे की मेहनत लगने वाली है, कितना घंटा अपन ने डिवोट किया तो सब्जेक्ट कंप्लीट होने वाला है। तो मैंने सब्जेक्ट के प्रिपरेशन को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। नॉर्मली वी डू इन दैट वे। पहला है लेक्चर टाइप एंड चार्ट्स। GST में चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे तो आपको ही पता है कि मैंने आपको GST में कितने चार्ट्स बना के दिए हैं, करेक्ट ना? तो वो सब मिला के टोटल सब्जेक्ट टाइम है 140 आवर्स। एंड अगर आपके पास चार्ट्स नहीं है तो प्लीज़ मेक योर ओन चार्ट्स। विदाउट चार्ट्स GST पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। DT पढ़ने का तरीका अलग है, GST पढ़ने का तरीका अलग है, ठीक है? सो दोनों के स्ट्रेटजीज भी अलग है। तो GST में चार्ट्स वेरी क्रूशल, ठीक है? और मैं इस बार आप सबको कलरफुल चार्ट्स भी देने वाला हूँ। जिन लोगों ने मेरा प्रोडक्ट लिया है उनको चार्ज भी मिलने वाले हैं और उसके मैं वीडियोस भी बना के देने वाला हूँ। यस, देन मैंने रिवीजन टाइम 60 आवर्स प्लान किया है कि एक बार अपन ने पूरे वीडियोस देख लिए 140 घंटे में, 60 घंटे तो वी नीड एज अ रिवीजन। टेस्ट पेपर एंड स्कैनर को मैंने 40 आवर्स रखे हैं कि आप चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे, स्कैनर सॉल्व करोगे, तो उसके लिए 40 आवर्स मैंने रखे हैं। एंड RTP एंड MTP अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए मैंने 10 घंटे रखे हैं। तो मैंने अज्यूम किया कि आपने 3 पेपर सॉल्व किए दोनों मिला के, सो 10 आवर्स रखा है। तो टोटल सब मिला के 250 घंटे का ये प्रोडक्ट है, जिसमें से 140 घंटे मैं करने वाला हूँ लेक्चर के थ्रू एंड बाकी की जो 110 घंटे ये आपको घर पे मेहनत करना है। हाँ, इसके लिए रिक्वायर्ड टूल मैं आपको देने वाला, बट ये 110 घंटे स्टूडेंट को खुद एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। अभी काफ़ी लोगों को तकलीफ क्या होती है, वो 140 आवर्स से ऊपर नहीं आ पाते हैं। इवन 1 मंथ बिफोर द एग्जाम स्टिल दे आर डूइंग द वीडियोज ओनली। तो वैसे नहीं होगा, इन कोर्सेज में रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू मस्ट डू एटलीस्ट 1 रिवीजन फॉर एवरी सब्जेक्ट। तो ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कैनर इंपॉर्टेंट है, RTP MTP इंपॉर्टेंट है। तो ये जब तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा ना, तब तक आप पास हो जाओगे, 40-50 के ऊपर आप चले जाओगे, बट 60 प्लस जो अच्छा स्कोर करने का मौका है ना, वो निकल जाएगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको लिख के रखना और आपको एक प्रॉपर शेड्यूल बना के फॉलो करना है। अभी इसके बाद क्या आप बोलेंगे, सर ये तो हम घर पे बना सकते हैं, इसके लिए आपके हमको वीडियो की जरूरत नहीं है। सही कहा आपने। स्टेप टू देखो, अभी ये इंपॉर्टेंट है, करेक्ट ना? अभी मैंने आपको अप्रोक्सीमेटली बना के 250 घंटे आपको लगने वाले हैं। अभी द मेन टास्क ये आप घर पे भी बना सकते हैं, जो मैंने बना के दिया है, बस नंबर ऑफ आवर्स आपके वेरी होंगे, कम होंगे, ज़्यादा होंगे। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट है ना? सो वी हैव प्रॉब्लम ऑफ एग्जीक्यूशन। प्लानिंग तो आप भी अच्छा करते हो, तो यहाँ पे मैंने आपको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। अगर आप डेली 2 घंटा पढ़ाई करते हैं तो अलग प्लान है। इफ़ यू स्टडी GST फॉर 3 आवर्स एंड 4 आवर्स, तो इफ़ यू स्टडी GST फॉर 2 आवर्स, अच्छा ये 2 घंटे मतलब सब मिला के जो फर्स्ट स्लाइड था ना, मतलब रिवीजन टाइम, स्कैनर, सब मिला के अगर आप डेली 2 घंटा देते GST को सब मिला के, तो 125 दिन में अपना हो जाएगा 250 घंटे। मैंने 10 दिन एक्स्ट्रा पकड़े हैं क्योंकि वी आर नॉट 100% एफिशिएंट, वी आर ह्यूमन बींग, अपन मशीन नहीं कि एकदम कंटिन्यूसली काम करें। तो मैंने 10 दिन का एक्स्ट्रा समय रखा है। काफ़ी बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, कोविड की वजह से मेडिकल सिचुएशन घर पर राइज होती है, सो आई हैव केप्ट 10 डेज एज अ बफर टाइम। सो टोटल यूनिट 135 डेज, लगभग 4.5 महीने आपको लगेंगे अगर आप डेली 2 घंटा पढ़ते हैं तो। अभी इससे आपको आइडिया आएगा कि आपने प्रोडक्ट कब खरीदा है और एग्जाम कब है, उसके हिसाब से आपको स्पीड पकड़ना है। स्पेशली जो ऑनलाइन मतलब पेन ड्राइव लेक्चर या गूगल ड्राइव लेते हैं ना, वो बच्चे पूछते सामने कितना पढ़ना चाहिए,
तो मेरे पास कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है। आप देखो कि आपने खरीदने के बाद कितना समय एग्ज़ाम के लिए है। अगर एग्ज़ाम के लिए लेस देन 100 डेज है तो आपको 3 घंटे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 3 घंटे पढ़ेंगे तो अराउंड 83 आवर्स लगेंगे पूरा कंप्लीट करने के लिए। 10 दिन एक्स्ट्रा तो 93 डेज, एंड इफ यू स्टडी 4 आवर्स यू नीड 73 डेज। तो अगर आपने प्रोडक्ट 6 मंथ पहले लिया एग्ज़ाम के तो 2 घंटा पढ़ाई करो, 4 मंथ्स पहले लिया है तो 3 घंटा पढ़ाई करो, 2 महीने पहले लिया तो 4 घंटा पढ़ाई करो। सो दीज आर द आइडियल नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दैट एंटायर 250 आवर्स। तो आपको भी चेक करना है कि मैंने लेक्चर्स कब लिए और मेरा एग्ज़ाम कब है, उसके हिसाब से आपको मैपिंग करके आपको हर एक सब्जेक्ट का ऐसे प्लानिंग करना पड़ेगा, तब भी आप फर्स्ट अटेम्प्ट पास हो सकते हो, है ना। ये सब चीज़ें करना ज़रूरी है। ये हो गया सेकेंड स्टेप। नाउ थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड से बोलते हैं कि भाई पहले तुम स्टेप टू के हिसाब से डिसाइड करो कि मैं डेली कितने घंटे पढ़ने वाला हूँ, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, डिपेंड्स ऑन हाउ मच टाइम लेफ्ट फॉर द एग्ज़ाम। हाँ, अगर किसी का एग्ज़ाम दिसंबर में, 1 साल का समय है तो 2 घंटा पढ़ो फिर, है ना। मतलब आपने कहा सर मैंने तो जनवरी में लिया है, मेरा एग्ज़ाम दिसंबर में है, सो तुम डेली 2 घंटा पढ़ाई करो आराम से, बिकॉज यू हैव इनफ टाइम। हाँ, बट जिनका एग्ज़ाम में 6 मंथ का समय है उनको थोड़ा प्रॉपरली प्लानिंग करके करना पड़ेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। मतलब जो मैंने स्टेप टू दिखाया ना, ये भी काफ़ी बच्चों ने किया रहेगा कि सर हमने डेली वर्किंग करके रखा है, जैसे आपने बोला है, बहुत ही अच्छी बात है। दिस इज द मेजर चैलेंज फॉर अस, मेक हैबिट ऑफ डेली स्टडी। डेली पढ़ाई करने के पहले आदत लगाओ। दोस्तों लाइफ में कोई भी चीज़ अपने को करनी है ना तो मोमेंटम बिल्ड करो। जैसे लेट से यू हैव डिसाइड टू स्टडी फॉर 4 आवर्स, डोंट गो एंड सिट डायरेक्टली फॉर 4 आवर्स, इट विल हैपन ओनली फॉर 1 or 2 डेज, देन आप बोर हो जाओगे क्योंकि माइंड रेडी नहीं है। सो टेक बेबी स्टेप्स। मतलब आज आप पहले 1.5 घंटा पढ़ाई करो, 1.5 घंटा 3 दिन पढ़ाई करो, एक बार बॉडी को आदत लग गई, देन इंक्रीज इट टू 2 आवर्स, देन मेक इट 3 आवर्स, देन मेक इट 4 आवर्स। सो बिल्ट लाइक दिस। क्रिकेट में अपन देखते हैं ना, क्रिकेटर इनिशियली एकदम आराम से खेलता है, हलूलू खेलता है, एक बार वो सेट हो गया तो फिर वो चौके छक्के मारता है। आपको भी वही करना है। ये T20 नहीं, ये टेस्ट क्रिकेट है। हर दिन आपको प्रॉपर परफॉर्म करना है। इट्स नॉट T20, ये टेस्ट क्रिकेट है अपना, जो आराम से खेलना पड़ता है, हर एक चीज़ संभल के जानी पड़ती है, हर एक दिन इंपॉर्टेंट रहता है टेस्ट क्रिकेट में, वैसा है। तो ये पढ़ाई करने की आदत लगाओ। अब इसमें मैं काफ़ी बच्चों के क्वेरीज आते हैं कि सर घर पे पढ़ाई नहीं होती है। हो सकता है घर पे या जगह का शॉर्टेज है या डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है। तो सबसे बढ़िया तरीका है यू जॉइन लाइब्रेरी समवेयर, गो टू लाइब्रेरी एंड प्रॉपर वहाँ पे एक वर्क प्लेस बना के वहाँ पे पढ़ाई करो आप, है ना। तो पढ़ाई करने का प्लेस अच्छा होना चाहिए, मतलब क्लीन एंड नीट होना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी होना चाहिए, है ना, डलनेस नहीं होना चाहिए, तो ही आप पढ़ाई कर सकते हैं। अगर माहौल अच्छा नहीं रहेगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। तो मेरे हिसाब से ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स है, क्योंकि पहले स्टेप्स आपने बना के रखे रहेंगे। स्टेप 1, 2, 3 यू मस्ट हैव डन ऑन योर ओन, क्योंकि आप मैच्योर्ड हो। ये स्टेप किया कि नहीं आप देखो। तो मैंने आपको टिप्स दिए कि इसको कैसे डेली आदत डालनी है, छोटे छोटे स्टेप्स लो। बट अपने स्पीड भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, मतलब 6 महीना अगर पढ़ोगे 1 घंटा तो नहीं चलेगा ना, तो 1 वीक 1 घंटा पढ़ो, फिर 2 घंटा करो। सो लाइक दिस बिल्ट योर मोमेंटम, तो होगा, नहीं तो मुश्किल है फिर। तो ये काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन है और मैं हर PPT में, हर वीडियो में कवर करता हूँ कि सर हमने दिन में पढ़ना चाहिए, रात को पढ़ना चाहिए। दोस्तों दोनों समय परफेक्ट है। आप देखो आपके लिए क्या बेटर है। जैसे आप, मैंने मेरा लेक्चर में काफ़ी और एग्जांपल दिया है कि मैं अर्ली मॉर्निंग स्टूडेंट हूँ, मैं रात को नहीं कर सकता पढ़ाई। 7:30-11 बजे मेरे को नींद आती थी, यानी अभी भी आती है। सो आई एम अर्ली राइजर पर्सन, मतलब मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई कर सकता हूँ। सो इफ़ यू आस्क मी टू वेक अप एट 4, आई विल बी वेरी हैप्पी। बट इफ़ यू आस्क मी टू स्टडी टिल 12, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो कुछ भी गलत नहीं है, मॉर्निंग में पढ़ाई करो, इवनिंग में पढ़ाई करो, चेक वॉट इज सुटेबल फॉर यू, डोंट ड्रैग यूर सेल्फ। एंड वाइल सिलेक्टिंग द ऑप्शन, आप ये भी देखो कि आपके पढ़ाई पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं, आपके हेल्थ पर भी इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। कुछ लोग रात को 2, 3, 4 बजे तक पढ़ते हैं एंड देन हेल्थ इशू अराइज होते हैं। सो हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उस पर ध्यान रखना है। सो दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, ये आपकी मर्जी, आपको कैसे पढ़ना है। नाउ अभी लेट्स एक, अभी डेली पढ़ाई कैसे करना है वो भी इम्पोर्टेंट है। लेट्स से मैंने एग्जांपल लेके आपने 2 घंटा पढ़ाई करने का प्लान किया है, तो 2 घंटे में जो पहले 15 मिनट है ना, आई रिक्वेस्ट यू टू गिव इट फॉर रिविजन। नहीं तो क्या होता है, अपन आगे बढ़ते हैं और पिछला भूल जाते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये आपके लिए सोल्यूशन है कि
कि आप लेट्स से आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, 3 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे पढ़ रहे हो, उसमें से स्टार्टिंग के 15-20 मिनट आप रिविजन के लिए रखो। रिविजन में पहले क्या पढ़ा है उसमें से की पॉइंट्स रिवाइज करो। सिर्फ 15 मिनट में आई अंडरस्टैंड पूरा रिवाइज नहीं होगा, आई नो दैट, बट अपन ने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था या और कोई चैप्टर है, पहला चैप्टर में से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको फटाफट 15 मिनट में रिवाइज करो। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये इंपॉर्टेंट, लाइक दिस यू हैव टू रिवाइज, ताकि एटलीस्ट मेन पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो ये जो 15-20 मिनट का रिविजन है ना, जो टॉपिक अपन ने कवर किया ना उसके मेन पॉइंट्स, हेडिंग्स, मेन एंट्रीज, मेन प्रोविजंस जस्ट रिकॉल करो कि अच्छा इसमें यह है, इसमें यह है, इसमें यह है, ताकि अपन उसमें टच में रहते, ताकि अपन भूलते नहीं है। तो जब तक आप रिविजन डेली नहीं करोगे ऐसा होगा कि आप जो पढ़ रहे हो वो याद रह रहा है, बट 3 दिन के बाद वो भी आप भूलते जा रहे हो। फिर एंड में क्या होगा, अगेन यू स्टार्ट फ्रॉम पेज 1। सो खाली फिजिकली एफर्ट डाल के नहीं चलेगा दोस्तों इस लेवल पे, मेंटली एफर्ट डालना ज़रूरी है। सो 12 घंटे पढ़ाई करने से आप पास हो गए मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ, बट 12 घंटे प्रॉपर प्लानिंग करके पास करोगे ना तो रैंक लेके आओगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। सो यू हैव टू शिफ्ट फोकस फ्रॉम फिजिकल एफर्ट्स टू फिजिकल प्लस मेंटल एफर्ट्स। दिमाग लगा के, स्ट्रैटेजी बना के, प्लानिंग करा के पढ़ाई करो, डायरेक्टली घर पे जाके बुक खोल के बैठ गए नो, ग्रेजुएशन का अप्रोच इस लेवल पे नहीं चलेगा। तो इन चीज़ों पे आपको काम करना ही पड़ेगा। उसके बाद सबसे 4 इंपॉर्टेंट की टिप, पढ़ाई करते समय अगर आपके लिए पॉसिबल तो फोन दूसरे रूम में रखो, बिकॉज फोन इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन फॉर एवरी वन। तो जब भी आप पढ़ाई करते, लेट्स से यू आर स्टडिंग 1 आवर ना, फोन दूसरे रूम में रखो, 1 घंटा होने के बाद आप जाके सबको रिप्लाई करो। सी आपने अगर फोन को रिप्लाई नहीं किया ना, कोई इंडिया का GDP कम नहीं होने वाला है। अपन अंबानी या मोदी जी नहीं है कि अगर अपन ने 2-4 कॉल नहीं उठाए तो भूचाल आ जाएगा। सो नथिंग विल हैपन। सो एक बार ट्राई करके देखो। सो कीप फोन अवे एट द टाइम ऑफ स्टडी। पढ़ाई करते समय की पॉइंट्स हाईलाइट करो, क्योंकि जो मैंने आपको कहा था ना कि 15 मिनट में रिविजन करना है, तो ये हाईलाइटेड पॉइंट रिवाइज करना है। डेली मेडिटेशन करते जाओ, मेडिटेशन से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। अगर आपको ऐसा हो रहा है कि सर आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, मैं ये वीडियो बनाते समय ना काफ़ी आपके प्रॉब्लम दिमाग के रख के मैं वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज आई गेट दिस इश्यूज ऑन माई व्हाट्सअप मेनी टाइम्स। इवन अपना गूगल मीट होता है तब भी ये इशू आते हैं कि सर मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेडिटेशन करेंगे तो आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, यू विल बी एबल टू फोकस प्रॉपरली। योगा करो, एक्सरसाइज करो, स्पेंड 30-45 मिनट्स फॉर योर हेल्थ, क्योंकि अपन पढ़ाई करते हैं उसमें खाली एनर्जी का आउटफ्लो है, देर इज नो इनफ्लो। आपके ईटिंग हैबिट्स चेंज करो, है ना। अगर आप हॉस्टल में रह रहे तो अगर आपने अच्छा खाना नहीं खाया है ना, तो बॉडी का मैक्सिमम एनर्जी उसको डाइजेस्ट करने में चला जाता है। सो इसलिए डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सबसे लास्ट, टेक वीकली रिव्यू। ये वीडियो बनाने के बाद आई होप कि आप आपका एक प्लान बनाओगे, तो प्लान का वीकली रिव्यू लो कि उसके हिसाब से अपना पढ़ाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो कीप 1 आवर एवरी संडे टू रिवाइज व्हाट इज हैपनिंग, एंड आपने जो प्लान किया वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसका एक रिव्यू लो। नहीं हो रहा है तो चेक करो कहाँ पे लैकिंग है, उसके हिसाब से नेक्स्ट वीक में एक्शन लो। सो प्लान, एग्जीक्यूट, रिव्यू, एक्शन, प्लान, रिव्यू, प्लान, एग्जीक्यूट, रिव्यू, एक्शन। ये अगर आपने 4 चीज़ें की तो यू कैन डू वंडर्स। अभी आप बोलेंगे आपने ये सब चीज़ें तो बता दी सर, अभी मैं आपको क्या हेल्प करने वाला हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ। नीचे मैंने आपको मेरे ऐप का लिंक दिया है, उस ऐप में चैप्टर वाइज MCQ के टेस्ट होते हैं, तो आपको उस ऐप को डाउनलोड करना है। एंड उसमें कोड दिया है, वो कोड यूज़ करके ही ऐप ज्वाइन करना है। सो घाई मत करो, तो ऐप डाउनलोड करते समय वो कोड यूज़ करके ज्वाइन हो जाओ। ये फ्री में टेस्ट एवरी वीक होता है और इसका मेरे इंस्टाग्राम पे पोस्ट आ जाता है, तो आपको मेरा इंस्टाग्राम चैनल जो है CMA विपुल शाह उसको फॉलो करना है। इससे क्या होगा, आपको सब अपडेट्स आते रहेंगे, ये पहला है। देन मेरा वेबसाइट है www.vipulshah.org, उसका भी नीचे लिंक दिया है, वहाँ पे आपको फ्री में अकाउंट क्रिएट करके रखना है ना। तो वहाँ पे अगर आपने फ्री में अकाउंट खोल के रखा तो वहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर मिलेंगे, जो न्यूमेरिकल्स वाले हैं, MCQ वाले ऐप पे मिलेंगे। एंड जो चैप्टर वाइज है वो आपको मेरे वेबसाइट पे मिलेंगे, हम जल्दी अपडेट करने वाले हैं। तो अभी ऐसा हो सकता है कि अभी नहीं है, बट वो जल्दी उसमें अपडेट हो जाएंगे। तो वहाँ पे आपको पेपर एक एक करके आ जाएंगे, उसमें ही आपको अमेंडमेंट नोट्स भी मिल जाएंगे, उसमें आपको रिविजन के नोट्स भी मिल जाएंगे, और उसके वीडियोस मेरे यूट्यूब पे आते हैं। तो इसलिए मेरा चैनल आपको सब्सक्राइब करना है। तो वेबसाइट पे आपको टेस्ट पेपर मिलेंगे, अगर आपके लिए अमेंडमेंट चाहिए तो वो भी मिलेंगे, प्लस रिविजन नोट्स भी आपको फ्री में मेरे वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद गो टू डाउनलोड सेक्शन, वहाँ पे ये सब टैब है, धीरे धीरे हम उस पर अपडेट करते जाते हैं।
तो एग्ज़ाम के एक दो महीना पहले ये सभी पेपर वहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। तो ये सारे फ्री में टूल्स अवेलेबल है जो नीचे मैंने दिया है। आई होप कि आप इसको यूज़ करके मैक्सिमम स्कोर करो। एंड इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल। तो गाइज थैंक यू सो मच, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।